स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सम बेसिक ऑफ़ केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नंबर टेन है राइट right? तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर सी एच टू ओ एंड वन एटी ग्राम रिस्पेक्टिवली वट विल बी दी मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड राइट सो इस क्वेश्चन में आपके पास इंपेरिकल फॉर्मुला गिवन है, है आपसे बोला है कि आपने मोलिकुलर फॉम्यूला फाइंड आउट करना है राइट right? तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं अपना सो so, अगर मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है सो फॉर दिस आई कैन से दैट मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी एन इन टू इंपीरिकल फॉर्मूला राइट नाउ वट इज एन फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट सो एन एक ऐसा नंबर है जिसके साथ जब आप इम्पीरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम एन कैसे फाइंड आउट करेंगे जो मेरे पास मॉलिकुलर मास गिवन होगा कंपाउंड का ठीक है इसे मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड कर दूंगी राइट सो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास आ जाएगा राइट सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अब हम कैसे निकालेंगे राइट right? ये हमारा जो है फॉर श्योर थर्ड स्टेप है राइट right? तो so, हम ये थर्ड स्टेप कैसे लेके चलेंगे फर्स्ट हम एम्पेरिकल फॉर्मुला मास निकालेंगे देन हम एन की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे राइट सो so, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखते हैं राइट सो so, हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलता है जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला में हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आप उनके मासिस जो अटोमिक मासिस होंगे उनको ऐड करोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा राइट सो so, मेरे पास इंपेरिकल फार्मूला क्या गिवन है दैट इज सी एच टू ओ आपने सभी के मासिस ऐड कर देने हैं सबसे पहले क्या होगा जो मेरे पास अटोमिक मास ऑफ कार्बन है ये देन अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा अब हाइड्रोजन जो है ये मेरे पास दो आ रहे हैं सो अटोमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन इंटू टू कर दोगे प्लस अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया राइट right? सो so,

फॉर्मूला देखना है सो मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है इट विल बी जो एन की वैल्यू आई है इसे आप इम्पीरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन की वैल्यू सिक्स है इंपीरिकल फार्मूला सी एच टू ओ है सिक्स को जब आप वन कार्बन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सी सिक्स हो जाएगा सिक्स को आप टू हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एच ट्वेल्व आ गया सिक्स को आप एक ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओ सिक्स आ जाएगा सो so, हमारा जो फाइनल मॉलिकुलर फॉर्मूला है दैट इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सो अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन